शाहरुख़ान पहुंच के दुबई अपनी आने वाली न्यू मूवी डंकी की प्रमोशन के लिए, लेकिन ये कैटरन के थ्रू उन्होंने SRK और उनका खूबसूरत पोज, जो उनका हमेशा से फेमस पोज रहा है और जो शाहरुख खान की पहचान रहा है, उसको ड्रोन के थ्रू उसको शो करवाया गया दुबई में। दुबई वाले शाहरुख खान को ऐसे ही समझते हैं जैसे कि ये उनके ही एक सिटीज़न हो, लेकिन शाहरुख खान की पॉपुलरिटी अगर इंडिया में देखा जाए तो वो तो सुपर है ही, लेकिन ये क्या दुबई में भी शाहरुख खान को वही प्रोटोकॉल और वैसे ही उनकी पॉपुलरिटी है जैसे कि उनकी खुद अपने इंडिया में है। शाहरुख खान की इस साल काफ़ी ज़्यादा मूवी सुपरहिट रही, इसलिए उनके उनका आने वाली न्यू मूवी डंकी का भी सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, जो कि 21 दिसंबर को रिलीज़ होनी है। 21 दिसंबर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि 21 दिसंबर को हो रही हैं विंटर वेकेशंस हर तरफ, और शाहरुख खान ने खुद लाइव आके ही सबको अनाउंस किया कि इनकी डेट की अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप विंटर हॉलीडेज़ में जब कभी टाइम मिले तो अपनी फैमिली के साथ आकर ये मूवीज़ लाजमी देखिएगा। शाहरुख खान जैसे ही मॉल में एंटर हुए, हर तरफ से शोरगुलाना शुरू हो गया, शाहरुख खान अगर देखा जाए तो लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लास्ट स्टार्स हैं, जो कि अपनी एज के इस स्टेज पर जाके भी सुपरहिट रहे हैं, नहीं तो मोस्टली बॉलीवुड स्टार जितने भी हैं स्टेज में जाकर उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली, लेकिन शाहरुख खान इस एज में भी उतने ही एनर्जेटिक हैं जैसे कि वो अभी अभी न्यू कमर्स हों, और ये उनकी मेहनत और डेडिकेशन है जिसकी वजह से शाहरुख खान की जगह आज तक कोई भी नहीं ले सका।